किसान एक बार फिर कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आगरमालवा की हैं, जहां कर्ज माफी न होने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। इतना ही नहीं, किसान प्याज बेचने की मंडी को जिला मुख्यालय के पास बनाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश में जो सरकार कमलनाथ जी की बेटी है, उन्होंने चुनाव पूर्व वचन पत्र दिया था कि अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बैठती है और मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आज और वह भी 10 दिन में किया जाएगा। आज इतने दिन होने के बाद भी किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और कर्ज माफी नहीं होने की वजह से किसान ओवरड्यू हो गया है, इसलिए सहकारियों में भी उसको खाद बीज मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसान आक्रोशित है और मांग करते हैं किसान की जो कर्ज माफी का वादा किया है वो तत्काल कर्ज माफ किया जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कमलनाथ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सड़कों पर उतर जाएंगे। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट।